हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर सिग्नेचर कॉलोनी ऑक्सीजन के सामने VIP रोड छिंदवाड़ा रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज दांतों के दर्द का इलाज सेरेमिक कैपिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट पायरिया का इलाज इम्प्लांट सुविधा स्माइल डिजाइनिंग दांतों की सड़न का इलाज दांतों की सफाई मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसिस एवं अलाइनर द्वारा इलाज शहर में सीवरेज पाइपलाइन कार्य के दौरान मिल रही शिकायतों पर महापौर ने किया निरीक्षण निर्माण कंपनी को दी चेतावनी बीस अगस्त को छिंदवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा कार्यक्रम की तैयारी तेज ELC चौक पर लेडीज फैशनेबल ड्रेसेस के भव्य शोरूम SS कलेक्शन का शुभारंभ महापौर सहित पहुंचे गणमान्य नागरिक और हर्रे के आदिवासी बालक छात्रावास में मासूम बच्चे पर चाकू से हमला अज्ञात बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार नमस्कार स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान और अब खबरें विस्तार से शहर में सीवरेज पाइपलाइन के निर्माण कार्य की शिकायतों के मद्देनजर बुधवार को महापौर विक्रम आहके निरीक्षण पर निकले नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनूमागो समस्त सभापति एवं कांग्रेसी पार्षदों से लगातार मिल रही शिकायतों के चलते महापौर ने जगह जगह हो रहे निर्माण कार्यों की अनुमतियों को लेकर निरीक्षण किया साथ ही निर्माण कार्यों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन को निर्देश दिए शहर में जो सीवरेज का काम काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और वो काम शहरवासियों से पता चला और हम लोगों के निरीक्षण में भी पाया गया कि बहुत लापरवाही से ये काम चालू है और जिसको काम किया जा रहा है लेकिन पूर्ण नहीं किया जा रहा है अपूर्ण छोड़कर शहरवासियों को परेशान किया जा रहा है जब पुराने कंप्लीट हो जाएं क्योंकि शहर की स्थिति बदतर होते जा रही है इनके कारण तो आज इनको निर्देशित किया और इन्होंने एक सप्ताह का समय दिया है कि एक सप्ताह में हम पूरे जो पुराने काम है उसको शीघ्र चालू करेंगे कंप्लीट करेंगे उसके बाद नया काम चालू करेंगे अगर ये नहीं होता है तो फिर से सीवरेज वालों के ऊपर कार्रवाई की जाए शहर में सीवरेज का काम लगातार जारी है और हमारे महापौर जी को मुझे हमारे सभापति हमारे पार्षदगण सभी को लगातार जनता से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जहाँ पर भी रोड तो खोदा जा रहा है उसकी रिपेयरिंग सही ढंग से नहीं की जा रही है जिसको लेकर के हमने कई बार
अधिकारियों को बोला, सीवरेज वालों को बोला, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी। आज महापौर जी, हम लोग सभापति, पार्षदगण सब इकट्ठे होकर के हमने ये कह दिया है कि पहले पूरा काम पूर्ण किया जाए। जहाँ पर भी आपने खोदा है, रोडों की स्थिति बस से बदतर उन्होंने कर दी है। आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि पहले जो पुराने काम जितने भी हैं उन्हें कंप्लीट किया जाए, उसके बाद नया काम किया जाए। उसको लेकर के हमने आज इन्हें हिदायत दी है, और अगर ये नहीं मानेंगे तो आने वाले समय में हमारी पूरी निगम परिषद इनके ऑफिस में जाकर के धरना प्रदर्शन करेगी। शहर की ईएलसी चौक पर बुधवार को एसएस कलेक्शन का भव्य शुभारंभ हुआ। लेडीज फैशनेबल ड्रेसेस के इस भव्य शोरूम में न्यू ट्रेंड के साथ परंपरागत वेडिंग ड्रेसेस से लेकर हर प्रकार के लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन मौजूद है। बुधवार 16 अगस्त को एसएस कलेक्शन के भव्य शुभारंभ के अवसर पर ग्लोबल नेटवर्क के संचालक अशोक चौकसे, श्रीमती शोभा चौकसे, नेहा चौकसे और सुनीता चोपड़ा ने बड़ी संख्या में आमंत्रित अतिथियों का स्वागत किया। ईएलसी चौक पर बीचों बीच बना शानदार शोरूम एसएस कलेक्शन सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आगंतुकों ने पहले ही दिन एसएस कलेक्शन से जमकर खरीदारी की और एसएस कलेक्शन के संचालकों को शुभारंभ की शुभकामनाएं दी। महापौर विक्रम आहाके सहित बड़ी संख्या में गणमान्य अतिथि एसएस कलेक्शन के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे। आज के सुंदर दिन के लिए प्यारे प्रभु, हम आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस ब्लेसिंग के लिए। प्यारे प्रभु जी जो आपने दी है पिता परमेश्वर, आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। और यहाँ जितने भी प्रभु यहाँ प्रेजेंट हैं, आप सबों को भी अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा और सबके घराने को ब्लेस करिएगा पिता परमेश्वर। सारी बातों में हम आपका आदर मान सम्मान करते हैं। आप
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का छिंदवाड़ा आगमन हो रहा है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आगामी 20 अगस्त को कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचेंगे। इस सम्मेलन में जिले की सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष सम्मानी वीडी शर्मा जी भाई साहब का छिंदवाड़ा के कार्यकर्ता, छिंदवाड़ा विधानसभा के कार्यकर्ता को मार्गदर्शन देने के लिए, उनमें ऊर्जा भरने के लिए, जोश भरने के लिए उनका आगमन हो रहा है। 20 तारीख को यहाँ पर हमारे छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विधानसभा सम्मेलन रखा है और इसमें बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता साथी उपलब्ध होंगे। ये प्रक्रिया चली रही है पूरे मध्य प्रदेश में कि विधानसभा सम्मेलन हो रहे हैं, उसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष जी का यहाँ पर आगमन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी उनको आकर के मार्गदर्शन देंगे। मैं समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत वंदन करता हूं। खबरों वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहे सिटी हलचल। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियां, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स, संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, LED, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर, नागपुर रोड एवं परासिया रोड, छिंदवाड़ा। एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल।
बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के दो विद्यार्थी शफक अली 94.4% द्वितीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म, आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हर्री विकास खंड के परतापुर बालक आदिवासी छात्रावास में एक अज्ञात बदमाश ने छात्रावास में पढ़ रहे मासूम बच्चे पर चाकू से हमला कर फरार हो गया। आनन फानन में घायल बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हर्री में भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि बच्चे के ऊपर 7 से 8 बार चाकू से हमला किया गया है। बच्चे का प्राथमिक उपचार जारी है। आदिवासी बालक छात्रावास में इस घटना को लेकर अधीक्षक की बड़ी लापरवाही देखी गई है। छात्रावास में किसी बाहरी बदमाश का अंदर आकर बच्चे पर चाकू से हमला कर भाग जाना सुरक्षा पर कई सवाल खड़े करता है। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया है। परतापुर में जो घटना घटित हुई, कल एक मामला आया था चाकू वाला जी, तो इसका जो है एफआईआर हो चुकी है, जांच चल रही है उसकी। अच्छा, जांच चल रही है, अभी तक कुछ जानकारी नहीं लगी। हाँ, जानकारी नहीं है उसका जी। नगर पालिक निगम सभा कक्ष में बुधवार को कमिश्नर राहुल सिंह द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की एक अहम बैठक ली गई। बैठक में मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं एवं साफ सफाई, बिजली, पानी, सड़क अतिक्रमण जैसी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए। साथ ही स्वच्छता अभियान को लेकर चलाए जा रहे अभियान में शहर को साफ सुथरा रखने की बात कही गई। कार्यक्रम में होने वाला है मेरी माटी मेरे देश के अंतर्गत, लापरवाही तुम लोग सुधर नहीं रही। सीएसआई मनवारे जी मीटिंग के बाद जाइए, इनको सबको सबकी क्लास लगाइए, और वहां जितने भ्रष्ट हैं सबकी पेमेंट रोक दो, जितने भ्रष्ट लगे वहां योजना शाखा में। वो दुर्गेश और आशीष काली नहीं है क्या? आशीष दुर्गेश है एक, हाँ उसने भी बहुत अच्छे प्रयास किए थे। आपने तांबे जी क्या प्रयास किए? नहीं, अभी और गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। चौके जी आपने क्या किया? शहर के फ्रेंड ग्रुप द्वारा आजादी की सालगिरह का जश्न जोर शोर से मनाया गया। इस कार्यक्रम में शहीदों को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। देशभक्ति गीतों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। साथ ही कार्यक्रम में तिरंगे की थीम पर गेम भी आयोजित किए गए, जिसमें कीर्ति और निकिता विजयी रही। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहे सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए
CBSE affiliated Edify School में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, टू बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 acres, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE affiliated Edify School, Head Office, Hyderabad। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों का साथी अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी जिले का एकमात्र ICSE एफिलिएटेड स्कूल। 7 acre के कैंपस में निर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पेशियस क्लासेस, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, बच्चों के लिए स्केटिंग, बास्केटबॉल ग्राउंड, म्यूजिक क्लासेस रूम, स्विमिंग पूल, लर्निंग, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, बस की सुविधा उपलब्ध। कीजिए अपने बच्चों के भविष्य की शुरुआत अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। एडमिशन ओपन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कांग्रेस की झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ द्वारा स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। 15 अगस्त को जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में झंडे एवं मिठाई वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष एकलव्य आहके एवं शहर अध्यक्ष शानू कुरैशी, निगम अध्यक्ष अशफाक कुरैशी, महिला जिला अध्यक्ष सपना वर्मा और इदरीस मंसूरी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। हर हर महादेव की गूंज के साथ गांव की महिलाओं ने कावड़ यात्रा निकाली एवं रुद्राभिषेक किया। छिंदवाड़ा रोहना कला शिव मंदिर से कावड़ यात्रा निकली। कनरगांव जल परियोजना से जल लेकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। सावन मास के उपलक्ष्य में ग्राम रोहना कला की महिलाओं ने भी रुद्राभिषेक आयोजित किया था। का आज अमावस्या है, उसी के उपलक्ष्य में आज कावड़ यात्रा सब महिलाओं ने मिलकर निकाले हैं। कहां से कहां जाएगी आपकी कावड़ यात्रा? हमारी शिव मंदिर से लेके ये कन्हा गांव डेम तक।
सावन के पवित्र माह के अवसर पर शहर में धार्मिक आयोजनों का क्रम जारी है। विविध आयोजनों की श्रृंखला में पाटाढाना स्थित आनंद नगर में शिव मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक पूजन अर्चन और इसके बाद विधि विधान से विसर्जन किया गया। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा, लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। शहर में सीवरेज पाइपलाइन कार्य के दौरान मिल रही शिकायतों पर महापौर ने किया निरीक्षण, निर्माण कंपनी को दी चेतावनी। बीस अगस्त को छिंदवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, कार्यक्रम की तैयारी तेज। ELC चौक पर लेडीज फैशनेबल ड्रेसेस के भव्य शोरूम SS कलेक्शन का शुभारंभ, महापौर सहित पहुंचे गणमान्य नागरिक। और हर्रे के आदिवासी बालक छात्रावास में मासूम बच्चे पर चाकू से हमला, अज्ञात बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही, नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।